नमस्ते दोस्तों, तो मैं फिर से आपके सामने हूँ अपना वही पुराना सब्जेक्ट वापस लेके कि वाई शुड बी वी वेजिटेरियन, हमें नॉनवेज क्यों अवॉइड करना चाहिए। तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको सम रिलीजियस फैक्ट्स या आपके जो भी इमोशनल फैक्ट्स होते हैं वो मैंने बताए, वो रीज़न मैंने रखे। तो अपने इस वीडियो में मैं आपको कुछ साइंटिफिक या कुछ लॉजिकल फैक्ट्स बताऊँगी। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आपका कर्म। तो हमारा एक साइंस का बहुत ही फेमस रूल है, वो रूल है एवरी एक्शन इज हैविंग एन अपोजिट इक्वल रिएक्शन। हम जो भी करते हैं, हम अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, जो भी हम करते हैं उसके सेम अपोजिट इक्वली रिएक्शन होना शुरू हो जाता है एवरी एक्शन। तो सेम चीज़ कर्मा का भी यही चीज़, इसी के ऊपर ही कर्मा पूरा की पूरा बेस्ड है। अगर आपने ये चीज़ को रिलेट करके कर्मा को जोड़ के आपने समझना शुरू कर दिया, ट्रस्ट मी यू विल अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खुद अपने आप समझ लोगे, उसे किसी और को समझाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कर्मा भी आप ही के यही रूल पे चलता है कि आप जो भी एक्शन करते हो उसका सेम अपोजिट इक्वल रिएक्शन आपके लिए तैयार होने लग जाता है। वो जो भी चीज़ें आप करते हो वो चीज़ें यूनिवर्स में जाती हैं और वो एक टाइम ऐसा होता है जो वो पलट के वापस आप ही के पास आती हैं। तो अगर आप किसी को दर्द दे रहे हो तो डेफिनेटली वो पेन जाएगा, और वो पेन कभी ना कभी, भले ही वो जल्दी आएगा, लेट आएगा या बहुत लेट आएगा, लेकिन वो आएगा ज़रूर। अब सम पीपल दे सेज वी डोंट स्लॉटर, हमने तो किसी को काटा नहीं, हम तो जस्ट ऑर्डर किया और हमने खाया, जिसने काटा उसको दिया। देखिए कर्मा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देर आर डायरेक्ट एंड देर आर इनडायरेक्ट। बहुत सारी ऐसे कर्म होते हैं जो आप डायरेक्ट करते हो और बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं जो इनडायरेक्ट करते हो। कुछ लोगों का रोड पे एक्सीडेंट होता है, बहुत ही दर्दनाक हो जाता है, ऑन स्पॉट मरते हैं, या कई लोग बहुत तड़प तड़प के मरते हैं, या कुछ ऐसा होता है और उनका जो एक्सीडेंट होता है वो इंसान ने डायरेक्टली भी नहीं किया होता है, उसके कोई इंटेंशंस भी नहीं होते हैं, लेकिन वो फिर भी हो जाता है। तो कर्मा को आप ना भूलें, दिस इज़ वेरी मच लॉजिकल एंड साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड दिस। क्योंकि ऊपर वाले के पास जो कैलकुलेटर है, ऊपर वाले के पास जो अकाउंटिंग सिस्टम है, ट्रस्ट मी वो दुनिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अकाउंटिंग सिस्टम है, जहाँ आपके गुड कर्मा और बैड कर्मा का हिसाब बहुत अच्छे तरीके से रखा जाता है। हम अपने दूसरे पॉइंट पे आते हैं, वो है आपका डीएनए। अब अगर हम डीएनए की बात करें, आप अगर साइंस पे बिलीव करते हैं तो आपको पता होगा हर एक इंसान का डीएनए अलग होता है, जानवर का भी डीएनए अलग होता है। आपने किसी को खाया, आपने सोचा मैंने उसको पकाया और आपने उसको खा लिया, आपने किसी की डेड बॉडी का पूरे के पूरे डीएनए उठा के आप अपने पेट में लेकर गए हो, किसी और जानवर का डीएनए आपकी बॉडी में जा रहा है, वो उसको कितना मॉडिफाई करेगा, उसको कितना हर्ट करेगा या उसमें क्या केमिकल चेंज लेकर आएगा, ये आपके सोचने का विषय है। आपको मैं ये एक सवाल आपको दे रही हूँ और आप सर्च करिए, क्योंकि मेरे नॉलेज में मुझे इतना मालूम है कि डीएनए आसानी से ख़त्म नहीं होता। इवन जो डीएनए रिकवरी करते हैं उसकी एक मेथड हीटिंग मेथड भी होती है जिसमें डीएनए रिकवर किया जाता है। तो डीएनए इतने आसानी से ख़त्म नहीं होता है, ये बहुत गंभीर विषय है, आप सोचिए। यही चीज़ के कारण होता है जब आप किसी जानवर का आप डीएनए अपने अंदर लेकर आते हो तो वो आपके अंदर आके बहुत सारी चीज़ों में इफ़ेक्ट देता है, आपकी सोच में फ़र्क डालता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ जो इस विषय से कनेक्ट होता है। आप देखिए, जब आपने कभी किसी स्लॉटरिंग हाउस या आप किसी भी मीट शॉप पे आप जाएंगे, जब एक बकरा बंधा होता है और एक बकरा कट रहा होता है, आप देखेंगे वो जो बकरा कट रहा है वो चीख रहा है, वो बहुत दुखी है, लेकिन जो दूसरा बकरा है वो आराम से अपने खाने में लगा हुआ है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ना वो उसकी तरफ देखता है, वो अपने खाने में लगा है, वो अपने मस्त है। जब उसकी बारी आती है तब वो चीखता है, तब वो दर्द में होता है। तो सेम चीज़ ये होती है कि जब आप किसी उस पशु, उस पर्टिकुलर जानवर को जब आप खाने लग जाते हो तो उसकी प्रवृत्ति आपके अंदर आने लगती है। सो दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द टाइम आज के टाइम पे लोग इतना सेल्फिश होने लगे हो कि उसे किसी और का दर्द दिखाई नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता, लेकिन जब उसके ऊपर बीतती है तब वो रोना चीखना शुरू कर देता है।
थर्ड लॉजिक मैं आपको देती हूँ कि ह्यूमन इज नॉट मेंट फॉर फ्लैश। अगर आप आज के जमाने के इंसान को देखें या आप 1000 साल पहले के इंसान के अवशेष को भी देखेंगे अगर, और या उससे पहले भी अगर आप उसके अवशेषों को देखेंगे, तो आप हमेशा ये पाएंगे ह्यूमन टीथ। आप इंसानों के दांत का अगर देखोगे तो इंसानों के दांत जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं। आप देखिए हर उस जानवर से मैच करते हैं जो शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी जानवर आप देख लेंगे, आप कभी भी गायों को देखेंगे, भैंस को देखेंगे, बकरे को देखेंगे, आप किसी को भी देख लीजिए, उनके जो आगे के दांत होते हैं वो एकदम फ्लैट होते हैं। और जो भी मांसाहारी होते हैं आप हमेशा देखेंगे उनके आगे के दांत जो होते हैं वो नुकीले होते हैं, ताकि वो फ्लैश को तोड़ सकें, खींच सकें। ये बेसिक डिफरेंस है। और आप हमेशा उनके नाखूनों को भी देखेंगे, जो मांसाहारी होते हैं उनके नाखून अलग होते हैं, ताकि वो उसे नोच सकें और शिकार कर सकें। इसके अलावा जितने भी शाकाहारी जानवर होते हैं उनकी आंतें यानी इंटेस्टाइन बहुत ही लंबी होती है, बजाय उन जानवरों की जो मांसाहारी होते हैं, जैसे शेर, चीता, भालू। अगर आप किसी भी मांसाहारी जानवर को देखेंगे तो पाएंगे कि उनकी इंटेस्टाइन बहुत ही छोटी होती है। अब अगर हम बात करें मनुष्य की, तो इंसान की आंतें मीन्स ह्यूमन इंटेस्टाइन बहुत ही लंबी होती है। सो If we talk biologically, then we must accept that nature itself made human for veggies, not for flesh. जब कोई इंसान मरता है या कोई जानवर मरता है, बहुत तकलीफ में जब वो अपनी जान छोड़ता है या उसकी जब जान शरीर से निकलती है, तो उसका वो उस टाइम पे जो उसका दिमाग होता है, और आपको मालूम है दिमाग ही है जो पूरे बॉडी में कमांड देता है और बॉडी उसके हिसाब से रिएक्ट करती है, तो वो जो स्टेज होती है जिस स्टेज पे उसकी सांसें रुकती हैं और वो मरता है, तो वो जो फियर होता है, वो जो डर होता है, वो जो तकलीफ होती है, वो उस चीज़ उसके पूरी बॉडी में उस टाइम पे वो चीज़ें फ्रीज होती हैं। तो जब आप उसको पूरा अपने अंदर लेकर जाते हो, तो वही इनसिक्योरिटी, वही डर और वही तकलीफ, वो दर्द आपके अंदर जाता है, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाती है उनको। और उनका नेचर वैसा ही बनता है कि दे आर नॉट विलिंग, दे आर नॉट एबल टू ट्रस्ट एनीबडी, वो किसी पे ट्रस्ट भरोसा नहीं कर पाते हैं, उन्हें बहुत ही इनसिक्योरिटी हमेशा लगी रहती है, कुछ डर लगा रहता है। सो हमारा नेक्स्ट लॉजिक ये है कि वेजिटेरियन जो होते हैं लोग मैक्सिमम ज़्यादा हेल्थी होते हैं बजाय नॉन वेज खाने वालों के। जो लोग नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं उन्हें कैंसर या कुछ और बहुत सारी डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बजाय वेजिटेरियन लोगों के। आप देखेंगे अमेरिका में मोस्टली लोगों को कैंसर होता है, क्योंकि दे सर्वाइव मोस्टली ऑन नॉनवेज, स्पेसिफिकली ऑन बीफ। जब भी आप बीमार पड़ते हैं, आप सोचिए, आपको डॉक्टर हमेशा कुछ हेल्थी या वेजिटेरियन डाइट पर जाने के देर बोलता है। आपको कुछ भी बीमारी होती है तो आपको फ्रूट्स के कंजप्शन के लिए बोलता है। एक और सबसे बड़ा फ़ायदा वेजिटेरियन होने का ये होता है कि वेजिटेरियंस की स्किन नॉन वेजिटेरियन खाने वाले लोगों से ज़्यादा अच्छी होती है, या ज़्यादा चांसेस होते हैं हेल्थियर होने के। जो लोग नॉनवेज का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं उन्हें स्किन डिसीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं लोगों की। वेजिटेरियन जो लोग होते हैं उनकी मोस्ट ऑफ द टाइम उनके माइंड एंड सोल प्योरीफाई होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट जो जितना सात्विक भोजन लेता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि भोजन 3 तरीके का होता है, सात्विक होता है, राजसिक होता है और तामसिक होता है। हम जितना सात्विक पे रहेंगे उतना ही हमारा माइंड बॉडी एंड सोल, हमारा माइंड बॉडी एंड सोल उतना ही प्योरीफाई होता है। आप बॉडी तो प्योरीफाई होती है, लेकिन जब बॉडी प्योरीफाई होता है तो डेफिनेटली आपका माइंड एंड आपकी सोल प्योरीफाई होने लग जाती है। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनके अंदर ज़्यादा मर्सी और ज़्यादा प्यार करुणा का भाव देखा गया है। वो लोग एक हद तक सेक्रीफाइस कर पाते हैं अपने आप से, वो एडजस्ट कर पाते हैं सिचुएशन से, दूसरों के बारे में सोच पाते हैं, ज़्यादा सोच पाते हैं, और परिवार को ज़्यादा खुश रखने की कोशिश भी वो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, बजाय उन लोगों के जो ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं तो उनकी प्रवृत्ति थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा हो जाती है।
तो दुनिया की जितनी भी बड़ी डिजीजें निकली हैं और जितनी भी महामारी निकली हुई है, जितने भी पैंडेमिक हुए हैं, आप देखें उसका रीजन जानवरों से रिलेटेड कहीं ना कहीं हमेशा होता है। जब आप उन्हें हर्ट करते हो, परेशान करते हो, या उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, जब आप प्रकृति से जरूरत से ज्यादा छेड़छाड़ करने लग जाते हो, तो आपको कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट आपको सामने दिखता ही है। मैं अपने आखिर में एक सिर्फ एक ही चीज सवाल पूछूंगी उन लोगों से, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि जो आप कर रहे हैं या जिस चीज़ को आप जस्टिफाई करते हैं, क्या वो सही है? आप मेरी मत सुनिए, आप किसी और की मत सुनिए, आप सिर्फ अपने दिल की सुनिए। जब आप दिल से पूछते हैं तो उसमें लॉजिक नहीं होता, सिर्फ दिल को आंसर देने ही दीजिए और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि आप जब अपने आत्मा से उसका आंसर पूछेंगे और जो आपकी आत्मा होगी वो आपको हमेशा सही जवाब देती है, वो कभी आपको गलत नहीं देती, क्योंकि इंसान की आत्मा मतलब वो ईश्वर उसमें वास करता है और वो कभी उस चीज़ को गलत नहीं बोलता। सिर्फ हमारा दिमाग है जो हम उसके लॉजिक्स को जस्टिफाई करते हैं, हम उसमें सही गलत ढूंढने लगते हैं, बिकॉज ह्यूमन इज़ द मोस्ट सेल्फिश क्रिएचर इन दिस यूनिवर्स। हम अपने मतलब के लिए सही को गलत और गलत को सही बना देते हैं। सही गलत का फैसला आप खुद करिए। अगर आपको मेरी बातें और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।